रिश्तों की नींव प्यार और सम्मान पर रखी जाती है। इसमें धोखा, छल कपट, जबरदस्ती या लालच की कोई जगह नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग अपने मतलब के लिए रिश्तों को तोड़ने मरोड़ने से बाज नहीं आते। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत है। आज से एक साल पहले जब मेरी पोस्टिंग बिहार के अररिया में थी, उस समय मेरे पास एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक लड़की के साथ बर्बरता के साथ रेप किया गया था, बाद में उसे मार दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़के की शादी बंदूक की नोक पर एक मरी हुई लड़की के साथ करवाई जा रही थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जब हमने पता किया तो इंसान का ऐसा वहशीपन सामने निकल के आया जो आप सोच भी नहीं सकते। पागल वागल हो गए हो क्या? ये दिन दुपहरी बैठ के शराब पी रहे हो? हमारे आगे ना ज्यादा नीति शास्त्र का लेक्चर मत छाड़ो। दसवीं तक तो लड़क लड़क के पास हुए हो। हम यहाँ इंजीनियरिंग करके पूर्णिया में इतना बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे, लेकिन साला हमसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं। देखो देखो, अरे देखो, लंगड़े हैं, लूले हैं, नहीं ना, दिखने में भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से शादी तक बात पहुंच के रिश्ता टूट जाता है। ठीक ठीक, टेंशन नहीं आओ, बैठो 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 आराम से। कल फिर से लड़की देखने जा रहे हो ना? बेटा इस बार सिक्सर मारोगे तुम, कह रहे हैं। हमें जाओगे तुम और तुम्हारा सिक्सर। अरे थैंक यू बेटा। ऋतु जी, लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा रही हम पर, जो भी दिया छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन आपको तो पता ही है कि सरस्वती मैया के आगे लक्ष्मी मैया की कब चली है जी। तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बेटा ही है, इंजीनियर बनाया इंजीनियर। और हमारी बिटिया कटिहार में रहकर हॉस्टल में पढ़ रही है। हमारी बिटिया पारुल भी 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन घर का सारा काम वो हम कर लेती है, सिलाई कढ़ाई सब। देखिए सच्ची बात है, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, आपकी बिटिया है बहुत सुंदर। क्यों बेटा पवन? हाँ। अरे पापा, भैया को उन्हें देखने से फुर्सत तो मिले, अब तो आप शेरवानी सिलवाइए। लड़की नहीं है भाई, चक्कू है चक्कू। अरे न जाने कितनों का कत्ल किया होगा। अब इस साले तुम्हारी होने वाली भाभी है। अब देखो शादी तय हो गई है तुम्हारी, अब शादी के बाद दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना? कितना भी पेस्ट कंट्रोल करवा लो, खटमल खून चूसना थोड़ी ना छोड़ देगा है? अच्छा बेटा, खटमल है हम तो क्या हो फिर? तो जाओ, तब हमारी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। अरे पापा जी प्रणाम। जो ज्यादा पंख फड़फड़ाता है ना, वही मुंह के बल गिरता है। बड़ा आया इंजीनियर साला। पापा पापा पापा, वो शेरवानी सिलवा ली है, जाओ रखो अंदर, लड़की वालों ने मना कर दिया है। मना कर दिया मतलब काहे? अरे हमको क्या पता, तुम ऐसा क्या गुल खिला रहे हो कि सब लोग मना कर रहे हैं? पागल हो गया क्या है इसे? अरे छोड़, मैं कह रहा हूं छोड़ छोड़ छोड़। क्या किया तूने? अरे शादी टूट गई तो लौंडिया किधर तेसुआ पाओगे? बात वो नहीं है, लेकिन साला कोई तो प्रॉब्लम हमारे में ही है ना, जो हर बार सब हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। हम कह रहे हैं तुम अपनी कुंडली को दिखवाओ, कहीं ना कहीं उसमें अड़िया मार के बैठा हुआ है। पापा ने हमारी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है ना, अगवा बने फिरते हैं आप हमारे, तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारी शादी करवा रहे हैं या हमारी परेड निकलवा रहे हैं? हम पे काहे भड़क रहे हो महाराज? तो भड़के नहीं तो क्या करें? सिविल इंजीनियर हैं हम, और ऐसा कौन सा टाटा बिरला की लड़की से योग भिड़ा रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है? प्रॉब्लम का है जानना चाहते हो? प्रॉब्लम का है बताते हम। बैठो बैठो, हम तुमको बताते हैं प्रॉब्लम का। बैठो, क्या बोले? साला अपनी किस्मत ही खराब है,
अपनी ही कुंडली में काला नाग कुंडली मार के बैठा है। कुंडली में कब हुआ? तुम चिंता मत करो, इस बार अगर कोई आई ना तो उसके हाथ पे मेहंदी से अपना नाम लिखवा कर ही रहेंगे। पवन। अरे खाली हंसी ठट्टा कर रही हो तुम लोग कि मेहंदी भी लगाई? अरे लगाई ना। अच्छा अच्छा देखो सगुन के टाइम कैसे खाली गले बैठी रूपा। ए रूपा, ये लो जी, बात करना चाहते हैं तुमसे। हमें बातें करने। अरे बात समझाओ ना। हमारे सामने शर्म आ रही है। नाटक कर रही हो, पतियाल हो ना, शादी हो रही तुम्हारी। हेलो। बहुत एंग्री होगा, हम कितनी देर से तुमको फोन कर रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो हमारा। हम बाद में बात करते हैं। अरे हेलो रूपा, हमसे शर्मा रही है। हमें पता है ये सब का हो रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कह रहे हैं तुमसे एक बार हम फिर से सोच लो तुम। हम डिसाइड कर लिए हैं, अब हम किसी राहु केतु को अपने आड़े नहीं आने देंगे। हमें रूपा चाहिए तो चाहिए, अब तो ये लाइफ और डेथ का मैटर हो गया है। चलो बस आ गई, हम निकलते हैं। अपना ख्याल रखना। गड़िया गड़िया गड़िया। हाँ गड़िया, बैठो बैठो। चलो चलो। सर सर देखने से लग रहा है कि 23-24 साल की लड़की है और शायद उसके साथ रेप भी किया गया है। आइए ये देखिए, हाथ की नसों को भी काटा गया है और चेहरे को भी काफी बुरी तरह से गोदा गया है। इसे देखकर लग रहा है कि नई नई शादी हुई थी, शायद एक दो दिन ही हुए होंगे। शरीर पे हल्दी लगी है, हाथों में मेहंदी है, मांग में सिंदूर है। अरे देखो कलाई पे शादी का कक्कन भी बंधा है। चेहरे को जिस तरह से गोदा गया है ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इसको मारा है ना, या तो बहुत नफरत करता था या बहुत गुस्से में था। चलो जी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और हाँ जरा कलाई पे चेक करो, शायद मेहंदी में इसके पति का नाम लिखा हो। सर हाथ में पवन लिखा हुआ है। पवन? यादव जी पता करो, एक दो दिन पहले किसी पवन की शादी हुई थी क्या? इस बेचारी ने
कितनी अरमानों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की होगी। जिस किसी ने भी इसके साथ ये बर्बरता किया ना, यादव जी से छोड़ना नहीं है। सर ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया है। बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हैं और सर ये बॉडी पे दो लोगों का सीमन भी मिला है। दो लोग यानी कि रेप और मर्डर में दो लोग शामिल थे। हाँ सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने की वजह से हो गई है और उसके बाद उसके फेस को गोदा भी गया सर। एक लड़की की कलाई काटी गई और उस मरती हुई लड़की के साथ रेप किया गया। डिस्गस्टिंग, इतना घृणित काम। इंसान ऐसे कैसे जानवर बन सकता है? वही तो समझ नहीं आता सर। वैसे मौत का समय 11 बजे से 2 बजे के बीच का है। उस पवन का कुछ पता चला? सर जी प्रणाम। कहाँ है पवन? पता नहीं कहाँ है पवन। पवन कहाँ है? पवन से तो बात ही नहीं हुआ हमारा। मालूम नहीं है तुमको? नहीं सालम, मालूम नहीं है साला। दिन भर चोरू की तरह चिपके रहते हो सर। मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तुमको? मालूम नहीं है साला। कहाँ है पवन? नहीं पता। हेलो, सर। सर मैंने अरारिया के सभी बैंक्वेट हॉल और कोर्ट रजिस्टर के पास पता किया। सर ऐसे दो दूल्हे हैं जिनका नाम पवन है और जिनकी शादी एक कल हुई थी और एक परसों, और आज एक पवन की शादी होने वाली है। वो लड़की शादीशुदा थी? तो पहले वहाँ चलते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। साहब हमारी पत्नी हमारे साथ ही है। ये हमारी पत्नी है साहब। यही है हमारी बीवी। सर इन दोनों कपल्स में तो कोई नहीं है। एक कपल और बचा है ना अभी। एक काम करो, जिस बैंकेट हॉल में किसी रूपा और पवन की शादी होने वाली है ना, वहां से उनका एड्रेस निकालो। इतना दिन से मुंह फुला के बैठी थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाग गई है कहीं वो। कहां भाग? वो पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस को कौन बताया? नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए। हमें रूपा से मिलना है। रूपा तो वो शादी की रस्म के लिए बाहर गई है। आप कौन है? हम रूपा की माँ हैं। तो शादी की ऐसी कौन सी रस्म होती है जिसमें माँ और बाकी औरतें नहीं जाती? हमको नहीं पता रूपा कहाँ है। आज शाम को उसका शादी है, वो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हम तो खुद से ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गए। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। देखिए हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सॉरी चेहरा काफी खराब हो चुका है लेकिन हमें बॉडी से कुछ सामान मिला है। सर ये देखिए। रूपा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी हा? या उसका किसी के साथ कोई? नहीं नहीं सर, ऐसा कोनो बात नहीं था। साहब कुछ तो था, हमने देखा था रात को एक लड़की आई थी। कौन है? कौन है? अरे मैंने पूछा कौन है? हम है रानी, वो रूपा की दोस्त। वो हमारी बस लेट हो गई थी तो थोड़ा देरी से आए हैं। कौन है ये रानी? हमको नहीं पता कौन है। हमारी बेटी पटना में पढ़ती थी, वहीं की कोई दोस्त होगी। अच्छा उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी मांग में सिंदूर कैसे? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। राकेश ये रूपा की शादी किसके साथ होने वाली थी?
साहब पवन सिंह के साथ प्रजापति सिंह का बेटा है, पूर्णिया में रहते हैं वो लोग। ठीक है आप लोग जाइए। सर ऐसे कैसे मर्डर हो सकता है? हो सकता है रूपा ने भागकर शादी की हो, शायद कॉलेज में उसका कोई अफेयर चल रहा हो और रानी ने भागने में उसकी मदद की हो। फिर रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो कि इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, और पटना पुलिस को भी इन्फॉर्म करो कि इसको कॉलेज में इंक्वायरी करें। ठीक है सर। एक काम करते हैं, पूर्णिया चलते हैं और इस पवन सिंह और प्रजापति सिंह से मिलते हैं। हो सकता है पवन को इस रूपा के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इन लोगों ने ही पहले उसका रेप किया और फिर मार दिया। चलिए जो होना था सो हो गया, बीती बात भूल जाइए, अब तो वही होगा जैसा आपको ठीक लगे। अरे हम भी कहाँ भाई साहब ये बात दिल से लगाए बैठे, अब लड़की भाग गई, सबका नाक कटा गई। अच्छा हुआ भाई साहब हम अपने लड़का का ब्याह वो घर में ना किए। पवन बाबू नहीं दिख रहे हैं? ये है अभी बात हुई थी। कहा है ना भाई साहब मामला जरा शांत हो जाए ना बुलवा लेंगे उसको। बाकी भाई साहब वो जो हम बात किए थे उसका बंदोबस्त जरा देखिए। आप उसकी फिक्र ना करें, संयोग भिड़ना था सो भिड़ गया जी। अब हमको आज्ञा दीजिए, हम बहुत काम है जी, तैयारी करनी है। जी पवन सिंह आपका बेटा है? हाँ बुलाइए। अरे बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ठेका मिला उसको पटना में, गया है काम करवाने। कमाल है ना, आज ही शादी टली और आज से ही काम पे लग गया। नहीं हमें लगा शादी टलने के गम में कोप भवन में के कहीं की तरह शायद रो रहा होगा। अरे लड़की को भागना था भाग गई, बची 100 लड़कियां मिल जाएगी हमारे बेटे को। भागी नहीं है वो, मर्डर हो गया उसका। क्या? हाँ रेप और मर्डर, और हो सकता है वो आपके बेटे ने किया हो। एक बात तो कहिए हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा? वो तो वही बताएगा कि चुप कर क्यों बैठा है। फिर बोला ना बहुत बड़ा ठेका मिला गया है पटना काम करवाने। पटना में कहा? एड्रेस हमको नहीं मालूम। वो एड्रेस क्या, सब पता लगा लेंगे कहाँ है, पुलिस वाले हैं हम, अच्छे अच्छों की कुंडली निकाल लेते हैं आदि से लेकर अंत तक। पर ये तो मामूली सा एड्रेस है, पता लगा लेंगे कि कौन से अज्ञातवास में है आपका सुपुत्र। सर सर ये रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगे कि रूपा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। नॉर्मल अपने दोस्तों से बात करती थी और कभी कभार पवन से। वो पवन के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर मैंने। सर उस दिन उसका फोन वो बस स्टैंड पे ही बंद हुआ था। कहाँ जा सकता है ये? उसके कॉल रिकॉर्ड से उसके किसी नज़दीकी या दोस्त का पता चल रहा है? हाँ सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिस पर वो अक्सर बात किया करता था, किसी अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड है। दोस्त की खबर नहीं रखते हा? अच्छा एक बात बताओ, ये रूपा और पवन का आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था क्या? नहीं सर, रूपा को तो पवन बहुत पसंद करता था, बहुत खुश था कि उसकी शादी हो रही है। ठीक है तुम जाओ, और हाँ जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। यादव जी, सर ये पवन की लास्ट लोकेशन बस स्टॉप पे थी ना? बस स्टॉप पे जाके पता करो, शायद पवन के बारे में कुछ पता चले। सर ये कंडक्टर है, इसने उस दिन पवन को देखा था। जी साहब वो हमारी बस में था। बड़े प्रतिभाशाली हो यार तुम तो। अच्छा मेमोरी बूस्ट करने के लिए कोई दवा खाते हो क्या जो सब याद रहता है? बस में चढ़ने वाला हर आदमी याद रहता है तुम्हें? नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन हुआ ही कुछ ऐसा था कि याद रह गया। और किसी का टिकट बाकी? कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आप आरैया में गाड़ी रोकिएगा और जैसे ही हम उतरे आप गाड़ी भगा लीजिए। तुम फिक्र मत करो, हम ड्राइवर को बोले देते हैं। गाड़ी तो अब अगले बस स्टॉप पे रुकेगी। ठीक है तुम जाओ। धन्यवाद सर।
मतलब सर इसके मुताबिक उस दिन पवन के पीछे गुंडे थे, लेकिन क्यों? अभी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवन कहाँ है। यादव जी, पटना में जितने भी पवन के काम चल रहे हैं वहाँ सब जगह पता करो और पूर्णिया पुलिस को इन्फॉर्म करो, जैसे ही पवन के बारे में कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करें। हेलो सर, मैं पूर्णिया से बोल रहा हूँ, पवन मिल गया है। कहाँ है वो? सर वो मर चुका है, हमें उसकी लाश मिली है। क्या? सर इसे चाकू जैसे किसी चीज से मारा गया है, सर पे भी गहरी चोट लगी है, और हाँ सर इसके पॉकेट से हमें मोबाइल फोन मिला है। यादव जी, इसे जांच के लिए लैब में भेजिए, इसकी बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, इसके घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए, और जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हमें तुरंत भेजिएगा। सर यादव जी, ये पवन अररिया गया था शायद रूपा से मिलने, पर रूपा की लाश मिली अररिया में और इस पवन की यहाँ पूर्णिया में। हमें शुरू से पवन पर शक था कि उसने ही रूपा का बलात्कार करके उसे मार दिया है, लेकिन जब पवन की लाश हमारे सामने आई तो और भी ना जाने कितने सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। जैसे क्या रूपा की शादी पवन से हुई थी? लेकिन उनकी शादी तो अगले दिन होने वाली थी, फिर वो ऐसे भागकर शादी क्यों करेंगे? और वो लड़की कौन थी जिसने रूपा को घर से भागने में मदद की थी? ये एक ऐसी पहेली थी जो उलझती ही जा रही थी। सर ये पवन का पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर 4 वार किए गए थे, 3 वार उसकी बॉडी पर थे और 1 वार उसके सर के पीछे। इसी की वजह से उसकी मौत हुई सर, और उसकी मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है, मतलब रूपा के मरने के 3 से 4 घंटे बाद। क्या ये हो सकता है कि इस पवन ने रूपा को मारा हो और रूपा के साथ जो लड़की थी उसने पवन को मारा हो? या फिर ये भी हो सकता है कि रूपा के साथ जो लड़की थी उसने रूपा और पवन दोनों को मारा हो? पर वो लड़की थी कौन? दरोगा जी, हम कह रहे हैं रूपा के घर वालों को गिरफ्तार कीजिए, उसने हमारे बेटे को मारा है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? रूपा से तो उसकी शादी होने वाली थी ना। वो जब हम नहीं जानते कुछ, उन लोगों ने हमारे बेटे की जान ली है। सर आपको कुछ बताना था। बताइए। सर पवन सिंह के पास जो मोबाइल फोन था और उसके अंदर जो सिम था वो पवन के नाम रजिस्टर्ड नहीं था, बल्कि अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड। और सर ये सिम 1 दिन पहले ही खरीदा गया। पवन सिंह इस सिम से एक नए नंबर पे बात कर रहा था, और जब मैंने इस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि ये नंबर भी 1 दिन पहले ही खरीदा गया, और सर ये नंबर भी अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड है। ये दोनों सिम को एक ही दुकान से खरीदा गया था, और वो भी अखिलेश ने ही खरीदे थे। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन पता चला है कि ये दोनों ही सिम एक साथ ट्रेवल कर रहे थे। इनमें से एक सिम की लोकेशन रूपा के घर के आसपास की है, और ये दूसरा सिम नेक्स्ट डे जाके कटियार में बंद हुआ। ये दो दो नए सिम का क्या चक्कर है? कुलजा सिम सिम खेल रहे हो? हमें कुछ नहीं पता सर। हम बताते हैं, पवन को रूपा के अफेयर के बारे में पता चल गया, उसने तुम्हें भी बताया, तुम्हें भी गुस्सा आया, और तुमने और पवन ने दोनों ने मिलकर रूपा का रेप किया, उसे मार डाला, और बाद में तुम्हारा और पवन का झगड़ा हुआ तो तुमने पवन को भी मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सच कह रहे सर, हमें कुछ पता ही नहीं। यादव जी, सर सर अभी बता का ही नहीं रहे हो तुम? ये सिम कार्ड कहाँ मंगाया उनसे? कहाँ जा रहे हो तुम? कल शादी है ना तुम्हारी? वो हम रूपा को भगा कर शादी कर रहे हैं। अरे पगला गए हो का? हाँ बताओ ना क्या हुआ है। अरे वो सब हम तुमको आकर बताएंगे, तुम चिंता मत करो हमारी। अरे ऐसे चिंता मत करो, बताओ पहले हमको क्या हुआ है। वो हम पुष्पेंदर से कहकर अपना ऑफिस भेज दिए हैं। देखो ये बात पुष्पेंदर को हमें और अब सिर्फ तुम्हें पता है कि 35 लाख कैसे हमारे पास। हम रूपा को अपने से दूर नहीं होने देंगे, और अगर ये बात हमारे बाप को पता चल गई ना
तो वो हमें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। इसलिए हम अपना फोन बंद कर देंगे और इस नंबर से तुमको फोन करेंगे, समझे? ऐसा हुआ था या फिर ऐसा हुआ तुम दोनों यहाँ अररिया आए, तुम लोगों ने रूपा का रेप किया और दोनों ने मिलकर रूपा को मार डाला। और क्योंकि तुम्हें पता था कि पवन के पास इतना सारा कैश है, उसके लालच में तुमने पवन को भी मार दिया और वो पैसा लेकर भाग गए। नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। यादव जी, ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, इसे अपने स्टाइल में पूछते रहो। और इसका और पवन का डीएनए रूपा के ऊपर मिले सीमेन के डीएनए से मैच कराओ। सर, ये पवन और अखिलेश की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर, उन दोनों ने ही रूपा के साथ रेप नहीं किया था। क्या? तो फिर कौन हो सकता है? ये सब बिना एक पहेली की तरह हो गया है। ये रूपा और पवन की शादी होने वाली थी और रूपा अपनी शादी से एक रात पहले घर से भाग गई थी और उसी दिन वो पवन भी पूर्णिया से अररिया आ रहा था। ये रूपा का मर्डर यहाँ अररिया में हुआ और हमें पवन की लाश पूर्णिया में मिली। ये भले ही पवन ने रूपा का मर्डर ना किया हो, लेकिन वो कारण हो सकता है। याद है ना वो बस कंडक्टर, उसने कहा था कि पवन के पीछे दो गुंडे लगे हुए थे। हो सकता है वो दो गुंडे पवन के पीछे पीछे रूपा तक पहुंच गए, उन्होंने रूपा को मारा हो, बाद में पवन को भी मार दिया। यादव जी, ये पवन के पास 35 लाख रुपए थे और ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, एक उसका दोस्त अखिलेश और दूसरा वो ब्रोकर पुष्पेंद्र जिसने उसका ऑफिस बिकवाया था। एक काम करो, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, देखो कोई सस्पेक्ट मिलता है क्या। सब कहाँ हो गया? कहाँ सोचे थे? सर, ये अखिलेश और ब्रोकर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। अखिलेश के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो जो ब्रोकर है पुष्पेन, वो दो हिस्ट्री शीटर के टच में है। साहब, हम कुछ भी नहीं किए साहब। सीधे सीधे सच्चाई बता दो, वैसे तुम्हारे इन लफंडरों ने हमें बता ही दिया। सब सब बताता हूँ, वो जो पवन है ना, वो शादी के लिए बहुत बहुत परेशान था साहब, मतलब मरा जा रहा था एकदम, लेकिन उसका शादी बार बार टूट रहा था साहब। और एक बार वो हमारे पास भी आया था ये जानने के लिए उसका शादी काहे टूट रहा है। अरे बताइए ना आखिर बात का है, काहे रिश्ता टूट रहा है बार बार हमारा? गलती तुम्हारा नहीं है पवन बाबू, गलती तुम्हारे बाप का है। वो पार्टी लोगों के सामने इतना बड़ा मुंह फाड़ता है ना कि पार्टी लोग भागिए जाता है, समझे? लेकिन हम दहेज के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। ये बात हमको नहीं, अपने बाप को जाकर समझाओ, उसके सामने तो तुम्हारी जुबान पर ताला लग जाता है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन सब फिर से वैसे ही हुआ। विभूति जी 1 करोड़ देने को बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, पवन का शादी रूपा से तय कर दिया है ना, वो तो आपको 25 लाख रुपए एडवांस भी दे चुका है शादी के लिए। अरे तो बारात लेके जाएंगे, लेकिन दूल्हा नहीं लाएंगे। मतलब उठकर चले आएंगे, कुछ भी बोल देंगे, लड़की में खोट है, आंख टेढ़ी है, मुंह बिचका हुआ है। पापा देखिए, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, हम रूपा को पसंद करते हैं और उसी से शादी करेंगे। ए बेटा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया मालूम है ना तुमको? इतना शानदार ऑफिस खुलवा के दिया इसको। तुम्हारी शादी कब होगी, किससे होगी, ये हम डिसाइड करेंगे, हम। पवन बहुत परेशान था, वो हमको 3 लाख रुपया दिया था उसका ऑफिस बिकवाने के लिए, तो हम बिकवा दिया साहब। लेकिन साहब बाद में हमारे मन में बहुत लालच आ गया, वो 35 लाख रुपया भी हमको चाहिए था साहब, अब इसलिए हम पवन के पीछे गुंडे लगा दिए साहब। और तुम्हारे इन गुंडों ने पवन का पीछा किया, पहले रूपा का रेप किया, उसे मार डाला, फिर पवन के पैसे छीने और उसे भी मार दिया, और इस सब में तुम भी शामिल हो। अरे नहीं नहीं साहब, ये हम कुछ लिखे, हम सच बोल रहे हैं। यादव जी, इन तीनों का डीएनए टेस्ट कराओ। दरोगा जी, हमारे बेटे के खूनी का कुछ पता चला? वही पता करने आया हूं। आप अपने बेटे की शादी रूपा से तोड़ना चाहते थे ना? नहीं, कई बार पहले भी दहेज के लालच में आप अपने बेटे की शादी तोड़ चुके थे,
जब आपको पता चला कि आपका बेटा अपना ऑफिस बेचकर रूपा के साथ भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप वहां गए, आपने रूपा का रेप किया और उसे मार दिया, और बाद में अपने बेटे को लेकर यहां पूर्णिया में आ गए, फिर आपका बेटे से झगड़ा हुआ तो उसे भी मार दिया। आपका दिमाग खराब हो गया है? हमने दहेज मांगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, पूरी दुनिया करती है, आपको पता है दूल्हा बिकता है। हमने अपने बेटे की पढ़ाई पे इतना खर्च किया तो वसूलने का हक तो था ना हमारा? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, सजा हो सकती है आपको। अब इससे ज्यादा सजा क्या मिलेगी? हमारा बेटा हमसे छिन गया। लेकिन पुष्पेंद्र का कहना है कि आप अपने बेटे की शादी रूपा से तुड़वाकर विभूति की बेटी से करवाना चाहते थे। झूठ बोल रहा है वो। हमने अपने बेटे की शादी की बात विभूति जी के बेटे पारुल से चलाई थी, वो भी तब जब रूपा घर से भाग गई। हमने कुछ नहीं किया। ठीक, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना है। ये तो हमसे ना होगा दरोगा जी, चाहे जो कर लीजिए। यादव सर, मुझे इसकी एक एक डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। आपकी बेटी की शादी पवन से होने वाली थी ना? जी। लेकिन पवन तो रूपा से शादी कर रहा था, फिर आप रिश्ता लेकर क्यों गए? जब तक सामान बिक ना जाए वो किसी का नहीं होता साहब। हमने रूपा के घर वालों से अधिक बोली लगाई थी, वो इसलिए कि लड़का अच्छा था और इंजीनियर भी था। पर पारुल का रिश्ता पवन के साथ एक बार पहले भी टूट चुका था ना? पारुल पवन को पसंद करने लगी थी इसलिए मान गए, और उन्होंने जो दहेज मांगा हम देने को तैयार हो गए। आप जैसे बेटी वाले जब तक दहेज देते रहेंगे बेटे वाले लेते रहेंगे, इस सामाजिक कुरीति में आप भी उनका साथ दे रहे थे। बेटी की खुशी के लिए करना पड़ता है सर। अब अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। हमें आपकी बेटी से मिलना। वो अपनी नानी के यहाँ गई है, बहुत दुखी थी बेचारी, पवन को पसंद करती थी, बल्कि यूं कहें कि मन ही मन वो पवन को अपना पति मान चुकी थी, पर शायद भगवान को ही रिश्ता मंजूर नहीं था साहब। ठीक है, आप पारुल की नानी का एड्रेस दीजिए, हम वहीं जाकर उससे मिल लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर, एक तो वैसे ही परेशान है, हम नहीं चाहते कि आप उसे परेशान करें, हम तो बस अब उसकी शादी कर देना चाहते हैं, भले ही हमें सब कुछ बेच बाज कर सिमरिया घाट में रहना पड़े। यादव जी, मुझे इस विभूति की भी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर, प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, बस नॉर्मल लोगों से ही बात करता है, और ये रूपा की बॉडी पर जो सीमेन मिला था उसका डीएनए ना तो पुष्पेंद्र से मैच करता है और ना ही उसके आदमियों से। यादव जी, ये पवन ने अखिलेश से दो सिम लिए थे ना, और दूसरा सिम वो कटिहार में जाके बंद हुआ था। राइट, ये देखिए, इस प्रजापति की कॉल डिटेल्स के हिसाब से वो रेगुलर बेसिस पे किसी सपना से बात कर रहा था कटिहार में, और दूसरा सिम भी कटिहार में ही बंद हुआ था, और ये सपना पवन की बहन है ना, प्रजापति की बेटी। एक काम कीजिए, इस सपना की लोकेशन को इस अखिलेश के दूसरे सिम से मिलाकर देखिए और सपना को बुलाइए। सर, हमें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, हम तो कटिहार में हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं सर वहाँ। मैं समझाता हूँ सीधे शब्दों में, पवन ने अखिलेश से दो नए सिम खरीदवाए, एक खुद लिया और दूसरा तुम्हें दिया। ये देखो तुम्हारी सारी फोन डिटेल्स और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उस रात तुम यहाँ अररिया आई थी, इतना तो हमें पता है। अब इसके आगे की कहानी तुम बताओ डिटेल में। सब वो हम उस दिन कौन है, काहे भेजा है तुम्हारे भैया ने तुम्हें यहाँ, वो तो कल आके शादी तोड़ने वाले हैं ना, हमारे घर में सबको लग रहा है कि हमारी शादी होने वाली है,
कचारी माँ कितनी खुश है। भाभी आप सबको बता क्यों नहीं देती कि आप भैया से ही शादी करेंगी? पगला गई हो का? हमारा कोई मान सम्मान है कि नहीं? क्या बोले माँ को आप? हमारी माँ ऐसे घर में कभी हमारा रिश्ता नहीं करेंगी जो दहेज के लालच में इतना गिर जाए। भाभी भैया ने ये पैसे भेजे हैं 25 लाख रुपए जो हमारे पापा ने आपके माँ से लिए थे और ये सिंदूर भेजे हैं। भैया आपको भगा करके शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी हाँ है ना तो अपनी मांग में ये भैया के नाम का सिंदूर लगा लीजिए। पवन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उससे। पता है हमें, सपना ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई है तुम्हारे, तुम्हारे साथ कुछ बुरा थोड़ी होने देंगे। थैंक यू भैया। चलो जल्दी निकलते हैं, पहले सपना को हॉस्टल छोड़ते हैं फिर हम निकलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं जिया जी, सपना को हम छोड़ देंगे, आप रूपा को लेके निकलो। सर उसके बाद राकेश ने हमें खटियार में हमारे हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर आप लोगों को पापा पर शक था और आप पापा को पकड़ के ले जाते और हम बिल्कुल अकेले रह जाते। सर हम तो अपनी बहन की मदद कर रहे थे, वो बहुत अच्छी लड़की थी सर, पता नहीं सब कैसे हो गया। ठीक है जाओ। सर विभूति के बारे में कुछ बात पता चली है, उसने अभी अभी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, प्लॉट दुकान सब कुछ, और ये उसके कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है सर, ध्यान से देखिए। पानी पिएंगे आप? हमको प्यास नहीं लगी है सर। अच्छा वैसे पी लेते तो अच्छा होता, जरूरत पड़ेगी आपको। खैर ये देखिए, ये हैं आपकी कॉल डिटेल्स। इनके हिसाब से जिस रात पवन यहां अररिया में आया था उसी रात आप भी अररिया आए थे, उसके आसपास की ही लोकेशन है। और मजे की बात देखिए, जब पवन वापस पूर्णिया गया तो आप भी पूर्णिया में ही गए, और कमाल की बात तो ये है पूर्णिया में भी उसी जगह उसी लोकेशन पर जहां हमें पवन की लाश मिली। आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या हम उगलवाएं? साहब पारुल की शादी पवन के साथ पहले ही तय हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे प्रजापति ने दहेज की मांग बढ़ा दी तो हमने शादी तोड़ दी। बड़ा आया इंजीनियर, लेकिन हमारी बेटी पारुल पवन को पसंद करने लगी थी। एक बाप के नाते हमने तकलीफ नहीं देख पाए और अपने सारे प्लॉट्स बेचकर बस पवन और पारुल की शादी करने के लिए तैयार हो गए। पापा अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। अरे कल रूप और पवन की शादी है पापा। पवन का फोन आया था पापा, उसने हमें बताया कल वो भागकर अररिया जा रहा रूपा की शादी करने। पापा हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं मेरा बच्चा, सपना पूरा होगा, हमें ना चिंता मत करो। हमने उनका पीछा किया और जब वो दोनों पवन और रूपा भाग रहे थे हम उनके पीछे ही थे। पवन क्या कर रहे हो? तेरी पवन की पवन ए विकास अंदर जाओ सर। छोड़ दे। हमें अपनी बेटी का सपना पूरा करना था साहब। सोनी की है तूने, 7 जन्मों का साथ है, अब अगला जन्म भी इसके साथ ही लेना क्योंकि हम तुम्हें दफनाने वाले हैं, वो भी जिंदा। हम तो मारना चाहते थे उन्हें लेकिन मार नहीं पाए। हम आपकी बात क्यों माने? जो सच था हमने बता दिया।
प्रसाद सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अगर थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि विभूति सच बोल रहा है, आखिर हुआ क्या होगा? उस रात पवन के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं सर, कोनो झगड़ा वड़ा नहीं हुआ था हमारा। अच्छा, तो फिर ये देखो, ये है तुम्हारी कॉल लोकेशंस। अगर इनकी माने तो तुम यहाँ अररिया से पहले कटिहार गए, कटिहार से वापस यहाँ अररिया आए, फिर उस रात तुम पूर्णिया गए, और तुम्हारी कॉल लोकेशंस वही है जहाँ अगले दिन हमें पवन की लाश मिली थी। बोलो, बताओ। हाँ, तुम्हें तो ये सवाल उतना ही कठिन लग रहा होगा जितना कठिन सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। क्यों, जल्दी जल्दी बताओ, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, बताओ। यादव जी। नहीं 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 सर, हम सब सच सच बताते हैं सर। हम सपना से शादी करना चाहते थे और हम उसको बोले थे कि हम उसके भैया से बात करेंगे, और उस रात उसको हॉस्टल पे छोड़ने के बाद हम उसके भैया को फोन लगाए, पर फोन लगा नहीं। हेलो, पागल वागल हो गए हो क्या? ये दिन दुपहरी बैठ के शराब पी रहे हो? हमारे आगे ना ज्यादा नीति शास्त्र का लेक्चर मत छाड़ो। दसवीं तक तो लड़क लड़क के पास हुए हो। हम यहाँ इंजीनियरिंग करके पूर्णिया में तो बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे, लेकिन साला हमसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है कि सरस्वती मैया के आगे लक्ष्मी मैया की कब चली है जी। तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बेटा ही है। इंजीनियर बनाया इंजीनियर, और ये हमारी बिटिया कटिहार में रहकर हॉस्टल में पढ़ रही है। और सर, ये बॉडी पे दो लोगों का सीमन भी मिला है। दो लोग, यानी कि रेप और मर्डर में दो लोग शामिल थे। हाँ सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जरूरत से ज़्यादा खून बहने की वजह से हो गई है, और उसके बाद उसके फेस को गोदा भी गया सर। पवन सिंह आपका बेटा है? हाँ, बुलाइए। अरे बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ठेका मिला उसको पटना में, गया है काम करवाने। कमाल है ना, आज ही शादी टली और आज से ही काम पे लग गया। नहीं, हमें लगा शादी टलने के गम में कोप भवन में केकई की तरह शायद रो रहा होगा। सर, पवन सिंह के पास जो मोबाइल फ़ोन था और उसके अंदर जो सिम था, वो पवन के नाम रजिस्टर्ड नहीं था, बल्कि अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड। और सर, ये सिम एक दिन पहले ही खरीदा गया। पवन सिंह इस सिम से एक नए नंबर पर बात कर रहा था, और जब मैंने इस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि यह नंबर भी एक दिन पहले ही खरीदा गया। भाभी, आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आप भैया से ही शादी करेंगी? पगला गई हो का? हमारा कोई मान सम्मान है कि नहीं? का बोले माँ को आप? हमारी माँ ऐसे घर में कभी हमारा रिश्ता नहीं करेंगी जो दहेज के लालच में इतना गिर जाए। भाभी, भैया ने ये पैसे भेजे हैं 25 लाख रुपए जो हमारे पापा ने आपकी माँ से लिए थे, और ये सिंदूर भेजे हैं। भैया आपको भगा करके शादी करना चाहते हैं। अरे कहाँ हो तुम लोग? अभी तो यहाँ बस स्टॉप पे ही है, बस का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना, थोड़ा जीजा जी को फोन दो ना। हाँ राकेश। अच्छा, हेलो। हाँ जीजा जी, अरे हम क्या कह रहे थे कि हम सपना को बहुत पसंद करते हैं, और सपना भी हमको बहुत ही पसंद करती है, बस आप एक बार हाँ कह दे तो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पगला गए हो का? का तुम हो काबे? हम सिविल इंजीनियर हैं, तुम्हारी औकात का है? लड़का हमेशा लड़की से अच्छा होना चाहिए। अरे पर जीजा जी, आप तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती उससे, समझे? ये का बेकार की बात कर रहे हो? अरे रूपा, हम तुमसे इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो हमारा फोन काट दी, लेकिन हमको उस दिन बात करना था, इसलिए हम अररिया बस स्टॉप पे फिर से वापस चले गए। लगता है चले गए। फोन ऑफ आ रहा है। रूपा के फोन करिए। रूपा का लाश देख के हमारा दिमाग खराब हो गया था। हमको लगा कि पवन उसको मारकर भागा है, इसलिए हम वहां पड़ा चाकू लेकर उसको मारने के लिए निकल गए। अरे राकेश, 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 हमको बचा लो, बोलो मार डालेंगे हमको। राकेश बचा लो हमको। कैसे छोड़ सकते थे उसको हम?
पवन ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा था, वो तुम्हारी बहन से प्यार करता था। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे गुस्से ने एक निर्दोष की जान ले ली और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लोभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और गुस्सा, सदियों से हमें इन सबसे दूर रहने के लिए कहा जाता रहा है, और जो कोई भी इनके जाल में फंसा उसे इंसान से जानवर बनते देर नहीं लगती। रूपा के रेप और मर्डर के लिए विभूति और विकास को सजा मिली, वहीं पवन को मारने के लिए राकेश को। इस केस में तीन लोगों की जान गई, पवन, रूपा और पारुल। क्या इन तीनों को होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन सभी विक्टिम्स ने उसको नजरअंदाज किया। जब कभी भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो या हो रहा हो तो डटकर उसका सामना करें, उससे भागे नहीं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।